दो राशि जबरदस्त तबाही मचाएंगे और इन दो राशियों के लिए एक दो तीन चार नहीं पांच पांच ग्रह सुरक्षा कवच दे रहे हैं। जी हां, पांच पांच ग्रह सुरक्षा कवच दे रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण फल आपके लिए रहेगा, कितनी महत्वपूर्ण चर्चा रहेगी आज की इस वीडियो में जो आपके साथ में रहने वाली है, और दो ही राशि क्यों। कई बार ऐसा होता है कि जब ग्रह ट्रांजिट करता है तो ट्रांजिट करते ही सबसे पहले वो ये देखता है कि मेरा दुश्मन कौन है, मैं उसके से बदला लूंगा। अगर वो खुद पावरफुल है तो दुश्मन के ऊपर हावी हो जाता है, और फिर देखता है मेरा सबसे प्रिय कौन है, अच्छा ये है मेरा प्रिय मित्र, अब मैं इसको बेनिफिट दूंगा। ये यथार्थ सत्य है, आप पावर में आएंगे तो आप अपनी चलाएंगे, दूसरा आएगा कोई व्यक्ति तो अपनी चलाएगा, और पावर इसीलिए दी जाती है ताकि आप अपनी चला सको, कार्य कर सको और लोगों के जीवन को बदल सको। ऐसे ही ग्रहों का भी यही सेम कॉन्सेप्ट होता है, या ये कह लें कि ग्रहों के ये विचार हैं तो इसलिए हमारे मनुष्य जीवन में ये प्रभाव देखने को मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में हमसे सीधा छठवें स्थान में हमारे कष्ट का घर है, रोग का, चोट का, शत्रु का, बाधा का घर है, और ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप ये सोच करके देखिए कि आप बीमार ना हो, आप 100% स्वस्थ रहें, रोग चोट ना हो, दुर्घटना ना हो, कष्ट ना आए जीवन में, तो ये जितनी भी हॉस्पिटल लाइन है, स्वास्थ्य विभाग है, ये सारा चौपट हो जाएगा और लाखों लोग बेरोजगार हो सकते हैं। सोच करके देखिए, इसका मतलब लोग बीमार हो रहे हैं, अस्वस्थ हो रहे हैं, तो किसी का घर चल रहा है, किसी के पास धन बढ़ रहा है। हम कहते हैं, मैं तो खुद ये सबसे एक सबके लिए प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर हमें हमेशा स्वास्थ्य दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, अगर वो है तो सब कुछ है। पर यह भी तो सत्य है कि ऐसा हो नहीं सकता, मनुष्य योनि में अगर जन्म लिया है, इस शरीर के अलग अलग हिस्से हैं तो कोई ना कोई पार्ट तो प्रभावित होगा। मित्रों, आज की मैं वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं, दो राशियां हैं, ध्यान से सुन लेना, एक एक बात बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, निर्णायक रहेगी, क्योंकि जो बोलता हूं उसको बहुत शोध करके बोलने की कोशिश करता हूं, कॉपी पेस्ट वाला सीन नहीं है। बहुत सारे लोगों की तो सिर्फ आजीविका ही हमारी वीडियोस के आधार पर चल रही है, जो मैं पिछले कुछ समय से नोटिस कर रहा हूं। पहले तो ध्यान देता नहीं था, अब थोड़ा ध्यान देने लगा हूं, तो मैं देख रहा हूं कितने यूट्यूब चैनल ऐसे हैं, जो फेसबुक पेज ऐसे हैं, जो सिर्फ कंटेंट को कॉपी करके तोड़ मरोड़ करके और अपना चला रहे हैं। हो सकता है कोई हमसे भी अच्छा बोलता होगा, क्योंकि हर व्यक्ति को के वाणी पर सरस्वती जी अलग अलग रूप में बैठी हैं। मित्रों, आज की इस वीडियो के अंदर इन जिन दो राशियों की मैं आपसे बात करूंगा, इन दोनों राशियों के विचार और फल बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं, और ये दोनों ही राशि एक दूसरे के साथ में सम का और मित्रता का व्यवहार रखती हैं, पर फल दोनों को पॉजिटिव मिलेगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हुए सर्वप्रथम आपको नमस्कार करता हूं, आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं हमारे YouTube और Facebook पेज पर। जुड़िए, जल्द से जल्द जुड़िए, 1 मिलियन तक पहुंचाइए, आपके ही आधार पर हम ये वीडियोस बनाते हैं, आपको ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाते हैं, तो आपका भी एक धर्म बनता है कि हमारी आवाज़ को और लोगों तक पहुंचाना। मनुष्य का भारी आवरण उसके व्यक्तित्व में निखार लेकर के आता है और उसकी सोच को दर्शाता है। बहुत सारे आजकल देखता हूँ ज्योतिषाचार्य ऐसे हैं, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा और लेना भी नहीं चाहिए, सबका अपने अपनी सोच है, अपना अपना ज्ञान है। बहुत सारे ऐसे ऐसे ज्योतिषाचार्य हैं, बहुत ज्ञानी हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, पर उनका भारी आवरण, उनकी वेशभूषा ऐसी होती है कि कोई ये कहेगा कि ये ज्योतिषी नहीं है, तो हो सकता है कोई मॉडल हो,
या ये तो कोई बहुत हाईफाई टाइप के लग रहे हैं, और वहां से आपकी सोच, आपके विचार उनके प्रति बदल जाते हैं। एक संत है, एक महात्मा है, भगवादारी हैं, आप उनके पास जाइए, स्वतः आप उस भारी आवरण को उनके के सामने नतमस्तक हो जाएंगे। और वही संत महात्मा जीन्स पैंट पहन करके बैठ जाएं और फिर आप उनके सामने जाओ तो आपका उनको प्रणाम करके झुक करके प्रणाम करने का मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन मनुष्य का भारी आवरण का होता है, तो हमें उस चीज को भी ध्यान में रखना होता है, उस चीज की मर्यादा को भी ध्यान में रखना होगा सभी के लिए। ये मेरा एक विशेष, मेरा एक अनुभव है, या ये कहें कि मैंने ऐसा नोटिस किया तो मैंने आपके सामने रखा। तो पहले नंबर पर जो राशि रहेगी जिसके लिए फल अति महत्वपूर्ण रहेगा, उस राशि का नाम आपको बता देता हूं, और ये एक राशि ऐसी है जो फल भोगेगी, नाम है कर्क। कर्क के जातक को अब आप ध्यान से सुन लो, क्यों मैंने कहा कि आपके लिए एक दो नहीं, चार चार पांच पांच ग्रह आपको फल देना चाहते हैं। तो सुनिए, अब सबसे पहले नंबर पर आपके लिए फेवरेबल चल रहे हैं गुरुदेव, और वो चल रहे हैं 12 नंबर राशि में, भाग्य स्थान में, और ये पंचम दृष्टि से आपकी राशि को देख रहे हैं, मान सम्मान यश वैभव पद प्रतिष्ठा को देख रहे हैं, और ये नवम दृष्टि से आपकी ऊंचाइयों को, पैसे को देख रहे हैं, प्रबंधन को देख रहे हैं, आपके व्यक्तित्व को देख रहे हैं, आपकी भाषा शैली को देख रहे हैं, आपकी वाणी को देख रहे हैं, आपके संतान यानी कि इन सब को देख रहे हैं। पहला कवच आपको गुरु ने दे दिया, बहुत अच्छा है ये कवच। दूसरा कवच दे दिया आपको मंगल ग्रह ने, मंगल वृषभ राशि में है और केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठे हैं, कैरियर के स्वामी होकर के लाभ में चले गए हैं, सरकारी नौकरी प्रमोशन के, प्राइवेट जॉब प्रमोशन ट्रांसफर के, और बुद्धि के, एजुकेशन के, उन्नति के स्वामी होकर के मंगल लाभ में चले गए। एक गुरु ने आपको सुरक्षा कवच, ये मंगल ने सुरक्षा कवच दे दिया। तीसरा कवच दे दिया आपको सूर्य देव ने 16 सितंबर तक के लिए, वो धन के घर में स्वग्रही होकर के बैठे हैं। कितना सुंदर प्यारा योग यहां पर बना है कि सूर्य पैसे पर बैठ गए, जबरदस्त पैसा देना, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा देना, इच्छाओं की पूर्ति करना, और गुरुदेव राशि को प्रभावित कर रहे हैं दृष्टि से कर्क को देख के, और मंगल की चौथी दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही है, धन के घर में पड़ रही है, तो मंगल भी सूर्य को अपने परम मित्र को देख रहे हैं, वो भी कह रहे हैं भाई मैं भी पैसा देना चाहता हूं। और शनि देव सस राजयोग बना के सप्तम भाव में बैठे हैं, और शुक्र के साथ में बना रखा है समसप्तक राजयोग। तो आप देखिए कितने सारे ग्रह आपके लिए यहां पर कर्क राशि के फेवरेबल हो गए, इसलिए अभी आगे आने वाला एक महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, और विशेष रूप से आगे आने वाले 20 दिन। ये चर्चा रही कर्क राशि की। अब बात करना चाहूँगा एक और राशि के बारे में, नाम डिस्प्ले में आ चुका है कन्या, और हो भी सकता है इसके बाद कोई और भी बात करूँ, पर अभी फिलहाल कन्या तो सुनी लीजिए, बाकी देखते हैं वीडियो के अंत में क्या होता है। आपके लिए स्वयं आपके ही घर में बुध का भद्र राजयोग बना हुआ है और कैरियर को लेकर के बना हुआ है, और बुध स्थान बली, दिशा बली और दृष्टि बली हैं, भयंकर चार चार पावर यहां पर अकेले बुध ने अपने पास में रखी हुई है, बेहतरीन फल, कोई किंतु परंतु नहीं, 2 महीने वारे न्यारे लिख करके ले लीजिए अभी से, मेरी वीडियो को सुन लेना, कन्या इतना जबरदस्त फल भोगेगी। दूसरे नंबर पर गुरु ने आपको सुरक्षा दे दी, गुरुदेव मीन राशि में बैठ करके एक हंस नाम का महापुरुष राजयोग बना करके पंचम दृष्टि से लाभ को देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से बुध को देख रहे हैं, और यहां पर गुरु का और बुध का समसप्तक राजयोग बना हुआ है ये, और दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत मधुर और सुंदर यहां पर योग बना हुआ है। तीसरा सुरक्षा कवच दे दिया आपको शनि ने, शनि महाराज की उच्च की दृष्टि 10वीं आपकी तुला राशि पर धन के घर पर आ रही है, यानी कि पैसा आना, मोटा पैसा आना, जी हां मोटा पैसा आना, ये कंफर्म है। और इसके बाद चौथा सुरक्षा घेरा दे दिया आपको मंगल ग्रह ने, ये भी बहुत पॉजिटिव हो गया, और पांचवा घेरा दे दिया आपको शुक्र और शनि के समसप्तक योग ने, शुक्र देख रहे हैं शनि को और शनि देख रहे हैं शुक्र को, और शुक्र लाभ में बैठे हैं, शुक्र लाभ में पैसे को लेकर के बैठे हैं, परिवार को लेकर बैठे हैं, भाग्य को लेकर के शुक्र बैठे हैं, इतना जबरदस्त फल है। क्यों मैं इतनी एनर्जी यूज कर रहा हूं आज वीडियो में, क्यों मैं इतने उत्साह के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे को फल अच्छा नजर आ रहा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं।
दोस्तों बॉम्बे में भी उपस्थित रहूंगा 27 से लेकर और 31 अगस्त तक। आप कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए मुझे संपर्क कर सकते हो। अभी आपसे ज्यादा चाहता हूं, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप सबके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, ज्योतिष आचार्य मानविंदर रावत जी अब अगस्त महीने में आपके शहर में रहेंगे। कलकत्ता 23 से 24 अगस्त, बेंगलोर 25 अगस्त, हैदराबाद 26 अगस्त, मुंबई में 27 से 31 अगस्त तक रहेंगे। कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करें 9899888433 7011 8054 6।